देखो बिल्ली होगा, अबे सामने से हट जा। सारी औरतें ही खड़ी हैं। एक ये भी है, तू भी है भाई। हम तो रुक गए, भूख लग रही थी वैली रेस्टोरेंट में। अब पता नहीं इसका साला खाना है कैसा, होना तो ठीक थी यार। मैं तो भूखे मरेंगे हम तो। ये थे कैसे बैठे, कैसे बंदर का बच्चा। और आधी आधी हमारी पार्टी कुछ है नाराज और कुछ है खुश। क्या क्या मुद्दा है, पहले मुद्दा बता दो जरा व्लॉग में। मुद्दा ये है कि ये लोग थक चुके हैं और इनके बस की नहीं है कि नाइट व्यू देखें। मुझे नैनी झील का नाइट व्यू देखना, ये मिस करने जा रहे हैं इसको। अब ये समझाओ कुछ। इतना जोश ये देखो, जो जो नहीं जाने वाले वो एक टीम में आ जाए, जो जाने वाले 6 बजे 6 बजे सब बंद हो जाता है। नहीं जाने वाले कुछ भी मत करो, अपना होटल। मेजोरिटी यही है कि नहीं जाने वाले जाना चाहते हैं, बट मॉर्निंग में। अभी क्या है कि अभी टायर्ड हो गए तो अभी सोच रहे हम जाके होटल जाके। टायर्ड नहीं, 6 बजे बंद हो जाए। हम भी टायर्ड हो गए, हमारे टायर बाहर आ गए अच्छे से। ये टायर्ड है वैसे ही ऐसा कर रहे हैं। जो बेचारे इतनी दूर ड्राइव करके आए उनकी भी कमर को रिलैक्स। सबसे बड़ी बात, जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम आए थे वही हमसे फेड अप हो लगा। नहीं देखो, ये प्लानिंग जिसकी हमें तो पता नहीं था, उन्हें मंदिर नहीं जाना, तो एक ये वाली बात है। कोई बात नहीं, हमें नहीं बताया गया। एंजॉय द मोमेंट। अभी फिलहाल अपनी चाय वाय हमें सिंपल ये था कि ट्यूसडे है, हम पहले मंदिर। नहीं तो भैया रोने लगेंगे फालतू में। तुम अपनी चाय वाय पियो। किसी का जोश घूमने का है, किसी का खाने का है, इसका जोश अलग चल रहा है अपना। कम ऑन गाइस। भाभी वो जो रिवर थी ना, रिवर व्यू, भाभी को जरा देख लो नीचे, वो पीछे रिवर क्या है, नाली सी बनी पड़ी है पीछे। भाभी नाली है ये, भाभी कह रही मुझे यही देखना था। भाभी बोला कि मेरे को रिवर साइड जाना था। भाभी का बहुत मन है कि मैं रिवर साइड चाय वाय पीऊं। मैंने कहा चलो आज ही करवा देंगे, देखने को मिला नाला। चलो कोई नहीं भाभी, ये करवा के चलेंगे। कल का दिन पूरा घूमने का ही है, तो कल हम उन्हें इतना मजे करवा देंगे अभी रात को। भाभी को इसी को ही रिवर समझ के एंजॉय कर लेना चाहिए। नहीं मैं मॉर्निंग में जाऊंगी जहाँ पर हमारे वाटरफॉल वगैरह होगा या कुछ भी रिवर साइड होगा, तो हम वहाँ पे। भाई पानी मुझे यहाँ भी चलता हुआ दिख रहा है। ये धोखेबाज लड़का ना, ये सुबह से बुआ से मिला नहीं है कि बुआ व्लॉग में ले लेगी मेरे को, और मेरी गर्लफ्रेंड ने मना कराया मुझे व्लॉग में आने से। और वैसे मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वो किसी और की है जिससे ये सोच के बैठा है। इसकी है इसकी शक्ल, वो गर्लफ्रेंड नहीं, उसे ग्रास नहीं डालती, उसे मोमोज डालती और ये भागा चला जाता है। वो गर्लफ्रेंड नहीं होती, होती है पहला प्यार। अब बोलेगा कुछ, क्रश बोलेगा कुछ। अभी कॉन्सेंट्रेट कोल्ड कॉफी पे है, क्योंकि कब से चाह रहा था कि इसको कोल्ड कॉफी। जस्ट कैसी है? हाँ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, टेस्ट लाइक अ वाओ। मजे तो बेटा अब तुझे दिलाने पड़ेंगे रिजॉर्ट में। बहुत दिन से तू कर रहा था नैनीताल नैनीताल, देखूंगी क्या मजे दिलवाएगा, क्या खिलवाएगा, पोकर लाए हैं। यस पोकर, पर तू तंबोला खेलेगा। नैतिक तेरी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, तू सिंगल से मिंगल होके जाएगा यहाँ से जल्दी। पहले एक बार देखने आजा, खान दो मुझे। ये बोला तूने बुआ को, ये बोला है तूने? आपको नहीं बोला, तूने यही बोला है बेटा। आपकी स्क्रिप्ट को बोला है भाभी, आपकी स्क्रिप्ट को देख लो क्या बोल रहा है मुझे। चल आजा, देखना पड़ेगा तुझे। चल भाभी अपनी होने वाली बहू देख लो, आ जाओ। इंडियन में बैठी है, बहुत बढ़िया लंबे बाल। हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं तो तेरे पापा ले लेंगे। यार खड़ी भाभी, नैतिक से भी लंबी लग रही मुझे तो। गुस्से में आया नहीं, पर वीडियो में तो देख ही लेगा कौन है। चलो तेरी भाभी। भाई फाइनली होटल पहुंच गए, देखो चार खेत करके कुछ है, मतलब कुछ निकलता मुंह से उल्टा पुल्टा। पार्किंग वार्किंग तो मिल गई, होटल तो सही लग रहा है देखने। वो देखो खाना वाना कैसा है। मॉल रोड से ये 9 किलोमीटर दूर है जो दिखा रहा है,
8-9 किलोमीटर ट्राइड एंड टेस्टेड है। वैसे तो आए हुए हैं लोग पहले अपनी फैमिली की, तो इनको अभी तो ठीक लगा था, अब देखते हैं कैसे अंदर रूम भी। ये देखो चुप चुप के, ये देखो ये चुप चुप के रोमांस चल रहा है यहाँ भैया। प्रैंक करोगे तो बेटा यही होगा, आज ऐसा काटा ही इन्होंने हमारा। एक तो ये मास्टर नहीं, सबसे बड़ी वाली साली हमारी, खून फूका है ला रहा हूँ। रुक, हमने सोचा एस्थेटिक एक होना चाहिए ना, एस्थेटिक जोक, तुम कौन एस्थेटिक जोक। ऐसा खून पिया कि बताता हूँ, रुको, ऐसा खून पिया बोलते कि बेकार होटल है। उसकी आंख दिमाग की धोई कर दी, फिर हम नया ढूंढ रहे थे, वो तो मिला नहीं। मैं तो नए में सालों के सबके पैसे फुकवा देता, तभी बुकिंग डाल के। ये रूम है और मुझे सबसे अच्छा ये वाला पार्ट है, इसमें ना ये पंप बेड टाइप भी है और बहुत ज्यादा बोला नहीं जा रहा, और आते हुए रास्ता इतना अच्छा लग रहा है। तो ये है जिसने हमारा पूरा रास्ता खराब करा है। मैं होटल से कॉल करती हुई आई हूँ कि भाई कहीं रूम दे दो, कहीं रूम मिलेगा। इन्होंने हमें बोल दिया इतने बेकार रूम्स हैं और यहाँ खटमल मिल रहे हैं, यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह है। सोचा था कि हम एस्थेटिक मजाक कर लेंगे, ये बहुत एस्थेटिक हो गया। वो होटल वाले मुझे कॉल करने लग रहे हैं, मैम बता दो कि क्या करना है। बट रूम्स बहुत अच्छे हैं, सिस्टम मिला दिया। हाँ सही में सिस्टम खराब कर दिया मास्टर ने। सुना आपको अच्छा लगा रूम? यही वाला ठीक है, ले सकते ये वाला, आप ले सकते हो। सुना आपको कैसे लगा, आपके ऊपर प्रैंक हो गया? मुझे लग रहा था कि प्रैंक है। अच्छा आप समझ गए थे। हाँ। मम्मा नहीं समझी, आपने मम्मा को हिंट दे देते। बेवड़े तो शुरू हो गए। हाँ भाई किस किस का बन गया? दो जी हमारा बन गया। नीट नहीं यार, ये आप भी नीट पियोगे? चलो चीयर्स करो फटाफट, यार देखो बड़े हो गए, जिसने पीनी है पियो, नहीं पी भाई गिलास का है। वो कब तक खाना खाती रहोगी? हुआ तो अभी खाने बैठी यार, पर खाना लाजवाब। तो बॉन फायर के लिए रेडी हो जाओ। हो जाएंगे, तो गाजर का हलवा बाकी है। ओहो अपने फूफा को बुला ला, फूफा जी भी खा लेंगे, बॉन फायर में ही मिलेंगे। चलो कैसे कम खाया? मैं डाइट मैंने 6 नान खा चुका हूँ। 6 नान ऑलरेडी 6 नान खा चुका है। 1 सेकंड, 2 नान खाई है मैंने। 2 4 तो मैंने सर्व कर लिया। अमित का तो प्लान करेंगे कि हलवा खत्म हो गया गाजर का। आज देखना अमित की प्रैंक का क्या, आज हमारा प्राइम डे चल रहा है पूरा। अभी प्रॉमिस करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अब जब कोई भी ट्रिप होगा मैं ड्राइव करके आऊंगी। मैं ड्राइव करके, मैं कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। साइकिल मैं ऑटो से आऊंगी। सीरियसली मैं साइकिल भी भाभी से आती नहीं है, मैं बता रही हूं नहीं चलाई, बट मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूं कि मैं चला। कहां लग रहा है सुबह सुबह? आगे शो लो, ब्रेकफास्ट कर लो। हम इतना लेट आए, क्रिकेट कहां खेल रहे हैं? ऊपर देखो इग्लू हाउस टाइप भी कुछ है। इधर की तरफ जहाँ देखोगे ना ट्री हाउस टाइप में, इधर से दिखते हैं रूम से। अभी ये पिंक वाला लेके चलो पेड़, ये वाला पेड़ ही ले चला डिक्की में रख के, कुछ इसका देख लेते हैं कहीं तो मिलता हूँ। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ये देखो भाई तैयार तो हो चुके हैं, आ जाओ भाई। आधी सवारी पहुंच गई नीचे और हम भी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। गर्म ही नहीं आ रहा, दिमाग खराब। अब देखे जरा नाश्ते में क्या क्या है, इसको बोला तो था हमने वगैरह बना दे भाई। देख शोर मचा रहे, देख पागल होगी तरह, ये देख भूखे भेड़िए। हमारे पास नया फंक्शन वांगड़ू आया,
लाइटर ही फूंक दिया मेरा। हवा लग रही है। मैंने भी देखो इसी में तो मेल्ट करा सारा। बटर पिघल लिया। चम्मच से नीचे रख। टोपी लगा के गाड़ी रुकी ना। नहीं, पांचवा तो ब्रेड ऑमलेट है और 21वां परांठा खाया भैया। हद कर दी वैसे। गर्मी है दिन में, मजेदार, लेकिन मौसम अच्छा है। भाई ये प्लान हुआ है जू जाने का। बच्चों को जू दिखाएंगे। जू एंड देयर बी अ टाइगर। देयर इज अ वुल्फ इन जू। सब तो बंदी हो गया। एंड देयर इज अ बिग लेपर्ड। हां बिग लेपर्ड। अब चला ले भाई। नया ड्राइवर हमारा देखो जोश में आया है। सो गाइस हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? जू। और वहीं पर हम अपने घर के कुछ जानवरों को छोड़कर आएंगे। जू जा रहे हैं। तो आप जब भी नैनीताल आए हमारे घर के कुछ प्राणी वहाँ देख सकते हैं। क्यों है? किसको छोड़ के आएगा? देखो भाई किसको, हमारे ड्राइवर साहब को छोड़ के नहीं आ सकते भाई। गाड़ी कौन चला होगा? मैं मुझे रखे मुझे तो बेबी भगा दे। देखा 4,000 की खा गया डाइट। वो फेंक देंगे तुझे से निकालो। सारे नहीं एडजस्ट हो पा रहे थे। सारे पतले पतले है ना, ज्यादा पतले पतले हैं। तो हमने सोचा एक कार और कर लेते हैं। उड़े उड़े जा रहे थे यार, एक जगह बैठ जाओ। तो ये सामने वाली है वैन? हाँ पिकअप। अच्छा पिकअप वैन, इसमें सारे हेवी वेट वाले भेज दिए हमने। अभी आप लोग इसे सबक है कि हमें जिम कर लेना चाहिए सबको। सही बात है। क्योंकि नहीं, एक तो ये भी प्रॉब्लम है ना, हमारी एक कार नहीं आई। उनका अपना ऑफिस का काम था तो वो लोग नहीं आ पाए। तो सारे इसमें एडजस्ट हो नहीं पा रहे थे। तो हमने करी एक ये। अब अगली बार ना मैं देख बस खरीद लो, टेम्पो ट्रैवलर ले लो। ये मेरे हेयर कौन पुल कर रहा है? कौन कर रहा है? एक जगह पर बिल्कुल नहीं बैठ। अब जो बदतमीजी करेगा ना उसी को जूम ही छोड़ाएंगे। अब ये सही है। जैसे कि मतलब डर भाई मॉल रोड पे सांस लेने की जगह नहीं है। साला वीकडेज में भी लोगों काम धंधा नहीं है, कुछ लग रहा है सब फ्री है। तीनों अलग अलग जगह, तीन गाड़ी में आए। एक तो वही पिकअप वैन है, वो तो छोड़ के चलेगी। बाकी तो थाली साला पार्किंग नहीं मिल रही थी। इनको भी मिलेगी पार्किंग। आपने माउस कलर पहना? नहीं, इन्होंने मेहंदी कलर पहना, उन्होंने माउस कलर पहना। तेरे गाने बंद। भाई जू का तो पता नहीं हम, लेकिन मंदिर जरूर जा रहे हैं। नहीं जू किस लिए जाना है? तो हमारे जैसे इतने जानवर ऐसे हम क्यों ले जाए जू? छोड़ के तो आना है। छोटा जानवर छोड़ने, ये खंभा भी साथ में है। पीला वाला तो पाउच भी लगा रखा पेट पे इसने, तो जिप वाला। गाइस दिन में मंदिर में आ ही गए। हमने कहा चलो बाकी काम तो होते रहेंगे, भाई दर्शन कर लो हनुमान जी के। आज खाली है, आज बढ़िया से दर्शन करा देंगे। अगली पिछली बार तो भीड़ थी ज्यादा। लेकिन तो सुंदर लग रही है देखो, दिन में बढ़िया लग रही है आज। भाई बाहर से तो अब दिखा देता हूँ, अंदर के आज आप लोगों को अच्छे दर्शन करा दिए होंगे शायद। भाई ये है भैरव मंदिर। भैरव बाबा की जय हो। प्रसाद तो रात को चढ़ा ही देते हैं लोग ये भैरव बाबा का। चलो अंदर के फटाफट कराएं, वेट करें। ये राधा कृष्ण जी, जय हो। राधा माता की जय हो। माता ये देखो, चले बाहर चले। एक बार ऊपर कर लो ना। सुन चल फिर, चल फटाफट चलो।
यार ऊपर है दस अवतार मंदिर, देखे जरा क्या चीज है। ये दोनों कहा लड़कियां, बच्चे हमारे छूट के पीछे। अरे वाह, अरे वाह, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, मजे। अरे वो देखो फिशेस, क्या बड़ी बड़ी फिश है, खाने में मजा आ जाएगा। ओ माय गॉड, भाई वो देखो फ्रीजर कितने भरी हुई है। ओह शिट, सही में फिशेस देख, कितनी फिशेस हैं। जो अलग अलग कलर की है, ये तो ब्लैक है, नहीं नहीं लीक। ये है दस अवतार, भाई है आपको मैं, हमने पहली बार देखा, हम तो इतनी बार आ गए यहाँ, ऊपर कभी नहीं आए थे। ये नैनी झील वाला ही है मंदिर, जो नैना देवी वाला है उसी में ही है दश अवतार मंदिर ऊपर। फोन आ रहा है सर, दर्शन आप लोगों को ही बढ़िया हो गया भाई, यहाँ से जल्दी फटाफट हमें जाना है। शिट, कहाँ जाना है हमने, चलो फटाफट नैनी लेक व्यू। चले यार मंदिर से बाहर चले, शिव जी के भी दर्शन। तेरे भी हो गए सही, बहुत बढ़िया, अब तो मछली खा ले। गाइस दिन में तो मॉल रोड देख ही लेते हैं। सही में हमें चलने की आदत ही नहीं है, बात है ना कि बीच वीकडेज में भी अगर ये हाल है, रिक्शा में तो टाइम पास कर रहे हैं पर्ची कटवाने के लिए भाई। हाँ रिक्शा, रिक्शा के लिए पर्ची तो कटवाओ, पर्ची कटाने काटने वाला टाइम पास कर रहा है। तुलक बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पे, अब होटल कोई इंडिया करके हैं जू जाने के लिए। साला जू पकड़ना भारी हो गया लग रहा, हर बार मैं प्रया बिचारी ने देखे, इसके लिए कुछ तो मजे हो जाए, हम तो मंदिर के दर्शन अपने ले आए हैं। नहीं गए थे, चलो कोई अब ये देखो सही।